नमस्कार, आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वर्षा। आइए नजर डालते हैं आज के दिन भर की खबरों पर। पानी टंकी में मेची नदी पार करने के दौरान हुआ हादसा, एक युवती की डूबने से हुई मौत, नेपाल पुलिस की मदद से शव किया गया बरामद। सिलीगुड़ी में जूट से विभिन्न प्रकार की सामग्री तैयार कर स्वनिर्भर समूह की महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर। राजगंज बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए राजगंज ब्लॉक प्रशासन ने चलाया अभियान, राजगंज बाजार में व्यवसायियों को फुटपाथ खाली रखने का दिया गया आदेश। फुलबाड़ी महानंदा बैरेज के पानी में डूबा एक युवक, तलाश जारी। धान रोपाई से पहले परंपरा का पालन करते हुए आमबाड़ी में राजा फालाकाटा पूजा का किया गया आयोजन। अलीपुरद्वार के कुमार ग्राम विधानसभा में राइटक नदी के तट पर स्थित बोलाचारी गांव की कटाव की स्थिति का कुमार ग्राम के भाजपा विधायक मनोज कुमार उरांव ने किया परिदर्शन। नक्सलबाड़ी आमतला स्टेट हाईवे पर दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर में तीन लोग घायल, तीनों घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। कुमारग्राम ब्लॉक के बारोभिषा में एक कॉस्मेटिक की दुकान में लगी आग, इलाके में फैली सनसनी। रैपिड टाइम्स में आज के लिए इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स। नमस्कार।